मानव अधिकारों के मंत्र को केवल मंचों पर ही मत गाओ, बल्कि इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाओ। हिंसा की बातें करते हो मानवता के रखवालों, ये कौन सा सैनिक धर्म है? जरा हमें भी बतलाओ, जरा हमें भी बतलाओ। वे सुरक्षा बल जिन्होंने अपने राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर हाथ में धार्मिक ग्रंथ लेकर मानव और मानवता की रक्षा करने की कसम खाई हो, वे सुरक्षा बल जिनसे ये उम्मीद लगाई जाती हो कि वे अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। लेकिन ऐसे में मेरे विपक्षी साथियों का इस मंच पर खड़े होकर यह कहना कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में मानव अधिकारों का अनुपालन कर पाना असंभव है, तो फिर आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक समिति, श्रोतागण व मेरे प्रतियोगी साथियों, मैं राइफलमैन बलवान सिंह, असम राइफल, विषय के पक्ष में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। महोदय, जिन महान पुरुषों ने विषय चुना है बिल्कुल सत्य चुना है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मानवाधिकार तो वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी ताकतों का खतरा बढ़ जाता है, वहां शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवाधिकार आयोग अपनी आवाज वहीं उठाता है जहां हम सुरक्षा बलों के द्वारा कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती है, जिसका उदाहरण वर्ष 2000 से 2012 तक सिर्फ मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों पर 1528 फर्जी मुठभेड़ और न्यायिक हत्याओं के मामले दर्ज हुए। यदि सारे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2016 में पुलिस फायरिंग में 92 नागरिक मारे गए, 351 घायल हो गए, और उसी वर्ष लाठीचार्ज में 35 नागरिकों की मौत हो गई और 759 लोग घायल हो गए। मेरे काबिल साथियों, बहादुरी मारने में नहीं बल्कि बचाने में होती है, और यदि बम, बारूद और बंदूक के दम पर ही शांति स्थापित की जा सकती तो अब तक पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन नहीं मेरे साथियों, नहीं, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा और प्यास से जीता जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 4 वर्ष पुराने गृह युद्ध का अंत करने के पीछे केवल एक ही कारण बताया था। उन्होंने कहा था, आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स। अतः यदि दुश्मन को हथियार की बजाय प्यार से जीता जाए तो वहां दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और लोगों के दिलों में बदले की भावना भी नहीं रहती, क्योंकि असली जंग तो लोगों के दिलों में लड़ी जाती है, और लोगों के दिलों को मानव अधिकारों का हनन करके नहीं बल्कि मानव अधिकारों का सम्मान करके जीता जा सकता है। और जहां मानव अधिकारों का हनन होता है वहां पर बदले की भावना से पान सिंह तोमर और फूलन देवी जैसी मासूम महिला को भी खतरनाक डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ता है। महोदय, अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिनसे यह साबित होता है कि मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतंकवाद व उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। सबसे पहले मैं 26/11 हमले का जिक्र करना चाहूंगा, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने मानवता का पालन करते हुए 9 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और एक अजमल साहब को जिंदा पकड़ा। मेरे काबिल साथियों, यदि उसे पकड़ते ही मार दिया होता तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पाकिस्तान को बेनकाब कर पाते? फिर बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या एयर स्ट्राइक की, दोनों ही मौकों पर केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, वहां के निर्दोष लोगों को एक खरोंच तक नहीं पहुंची। जब इस प्रकार की कार्रवाई हम दूसरे देश के अंदर घुसकर कर सकते हैं तो क्या अपने ही देश के भीतर आतंकवाद से लड़ते समय मानवता का पालन करते हुए नहीं कर सकते? महोदय, जिन स्थानों पर हम कार्य करते हैं वहां हमें महत्वपूर्ण इलाकों के बारे में जानकारी चाहिए होती है, आपूर्तिजनक सहयोग चाहिए होता है, और ये मात्र तभी संभव है जब लोगों का भरोसा हमें मिले। और मेरा 15 वर्षों का पूर्वोत्तर का निजी अनुभव यही कहता है कि जहां भी सुरक्षा बलों ने लोगों के साथ मिलकर कार्य किया है वहां उन्हें अधिक सफलता मिली है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा त्रिपुरा राज्य है। जी हाँ, वहां सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से गैर कानूनी संगठनों को आत्मसमर्पण करवाकर मुख्य धारा से जोड़ा, जिसका नतीजा आज त्रिपुरा एक शांतिपूर्ण राज्य है। अतः यदि आतंकवाद और उग्रवाद को मिटाना है तो सबसे पहले उसके पीछे छुपे कारणों को खत्म करना होगा। टेररिज्म फंडिंग और साइबर क्राइम को रोकना होगा, ताकि फिर कोई भी गैर कानूनी संगठन हमारे देश के नौजवानों को धर्म के नाम पर या फिर पैसों का लालच देकर आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसा ना सके। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमें मानवता का स्पर्श लाना होगा, इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारी किसी भी कार्रवाई के दौरान किसी निर्दोष को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब ऐसा होगा तो देश की जनता हमारे साथ होगी, तभी जाकर हम आतंकवाद और उग्रवाद को मिटाने में कामयाब हो पाएंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्यों ना एक ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आओ हम सब मिलकर करें एक ऐसा राष्ट्र तैयार जिसमें कायम रहे राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षित रहे मानवाधिकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।